हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. लेट अस रिवाइज. टेक राइट द करेक्ट ऑप्शंस. ओके चिल्ड्रन, नाउ देयर आर फोर ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन एंड यू टेक ओनली करेक्ट ऑप्शन. नाउ स्टार्ट. नंबर वन, ग्रीन प्लांट्स नीड दिस फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि ग्रीन प्लांट्स को इस थिंग की फोटोसिंथेसिस में नीड होती है. क्या होता है इसमें? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. देखिए चिल्ड्रन, जब फोटोसिंथेसिस होता है, प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस के अंदर प्लांट्स को किस चीज़ की नीड होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की नीड होती है, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट्स रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. नंबर टू, ग्रीन सब्सटेंस इन द लीफ. क्या होता है ग्रीन सब्सटेंस लीफ के अंदर? क्लोरोफिल. लीव्स मेन फोटोसिंथेसिस. ग्रीन सब्सटेंस इन द लीफ इज कॉल्ड क्लोरोफिल, क्योंकि हम उसको क्लोरोफिल बोलते हैं ग्रीन सब्सटेंस को. सो वी टेक ऑन द क्लोरोफिल. गैस रिलीज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस रिलीज करते हैं प्लांट्स? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. So we take right on the oxygen. Okay. Now number four, small pores that help the leaf in exchange of gases. Stomata, leaf plate, tiny holes, gills. यानी के जो small pores होते हैं that help the leaf in exchange of gases. Exchange of gases में help करते हैं, तो उन pores को बोलते हैं हम stomata. We take right on the stomata. नंबर फाइव, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड, मिड रिब, वेन, साइड वेन. ये जो सेंट्रल पार्ट होता है, जो मेन एक वेन होती है, उसकी थोड़ी थिक होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मिड रिब. सो वी टेक राइट ऑन द मिड रिब. ओके. नाउ नंबर सिक्स, लिविंग थिंग्स नीड दिस टू ब्रीथ. यानी कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको ब्रीथ करने में हेल्प करता है क्या? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टेम. कौन सी गैस लेते हैं सभी लिविंग थिंग्स? ऑक्सीजन. सो वी टेक राइट ऑन द ऑक्सीजन गैस. ओके. नाउ नंबर सेवन, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट. यानी कि प्लांट का कौन सा पार्ट होता है जो कि किचन ऑफ द प्लांट के नाम से जाना जाता है? ब्रांचेस, लीव्स, स्टेम, सीड्स. इट इज लीव्स. आंसर इज द लीव्स. लीव्स को हम कहते हैं ना किचन ऑफ द प्लांट. सो वी टेक राइट ऑन द लीव्स. द मेजर फूड दैट इज मेड बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. यानी कि जो खाना फोटोसिंथेसिस में बनता है, मेजर पार्ट होता है, वो कौन सा होता है? ग्लूकोज. ओके चिल्ड्रन, सो वी टेक राइट ऑन द ग्लूकोज. नंबर नाइन, द ग्रीन एक्सपोज पोर्शन इज नोन एज लीव is called leaf blade, midrib, vein, stomatas. जो green part होता है एक leaf का, उसको हम क्या बोलते हैं? जो proper पूरा green part होता है, flat surface होता है, उसको हम बोलते हैं leaf blade. Okay, we take right on the leaf blade. Number 10, which gas plants use while making the food? यानी कि खाना बनाने में plants कौन सी gas use करते हैं? Oxygen, carbon dioxide, nitrogen, hydrogen. We take right on the carbon dioxide because they use carbon dioxide. Number 11, a process of making food in plants is called. खाना बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं प्लांट्स के? उनको बोलते हैं क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस, फूड फैक्ट्री, एटमॉस्फेयर. उसको बोलेंगे हम फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस इन विच द प्लांट्स मेक द फूड. So we tick right on the photosynthesis. Number 12, which one of the following is an insectivirous plant? यानी कि इनमें से कौन सा insectivirous plant है? Lotus, sugar beet, dodder plants, pitcher plant. तो pitcher plant is an insectivirous plant. So we tick right on the pitcher plant. Number 13, water hyacinth is a मार्शी लैंड प्लांट. वाटर हाइसिंथ इज अ मार्शी. कौन सा होता है ये प्लांट जो होता है वाटर हाइसिंथ?
मार्शी लैंड प्लांट, फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट, फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट एंड नन ऑफ द वन, यानी कि कोई सा भी नहीं इनमें से, वो होता है फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट। सो वी टेक राइट ऑन द फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट। सिंकोना प्लांट इज एन ऑयल यील्डिंग प्लांट। सिंकोना प्लांट होता है कैसा होता है वो, ऑयल यील्डिंग यानी कि ऑयल देने वाला। इट इज अ वेजिटेबल प्लांट, नो। फाइबर प्लांट, नो। मेडिसिनल प्लांट, सिंकोना प्लांट से हमें मेडिसिन मिलती है। ओके, वी टेक राइट ऑन द सिंकोना प्लांट। नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइबर यील्डिंग प्लांट, यानी कि हमें किस प्लांट से इनमें से फाइबर नहीं मिलता। कॉटन से मिलता है, यस। जूट से मिलता है, यस। डॉडर प्लांट, हम्प प्लांट, हम्प प्लांट से भी मिलता है, यानी कि इसमें ये देवदार प्लांट जो है ये रॉन्ग है। वी टेक ऑन द देवदार प्लांट। अंडर वाटर प्लांट्स आर कॉल्ड, जो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, एक्वेटिक प्लांट्स, सबमर्ज प्लांट, फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स प्लांट्स, उनको बोला जाता है सबमर्ज प्लांट। सो वी टेक राइट ऑन द सबमर्ज प्लांट। नंबर 17, लिविंग एंड डेवलपिंग प्लेस इज एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं भाई उसको हम। आंसर, एडेप्टेशन, हाइबरनेशन, माइग्रेशन, हैबिटेट। तो एडेप्टेशन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नंबर 18, वी गेट रबर फ्रॉम, हमें रबर कहाँ से मिलता है, रबर ट्री, शुगर केन, पिचर प्लांट। वी गेट रबर फ्रॉम रबर ट्री, सो वी टेक राइट ऑन द रबर ट्री। नंबर 19, वी गेट कॉटन फ्रॉम, हमें कॉटन कहाँ से मिलता है, कॉटन प्लांट, एक्वेटिक प्लांट, जूट प्लांट, हम्प प्लांट। कॉटन हमें कहाँ से मिलेगा, कॉटन प्लांट्स, सो वी टेक राइट ऑन द कॉटन प्लांट। लोटस इज एन, लोटस क्या है, एक्वेटिक प्लांट, फ्लोटिंग प्लांट, सबमर्ज प्लांट। तो लोटस इज एन एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक मीन्स मतलब पानी में रहने वाला जो होता है, सो वी टेक राइट ऑन द एक्वेटिक प्लांट। नंबर 21, द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड, जो प्लांट्स जमीन पर उगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, प्लांट्स इन डेजर्ट एरिया, कोस्टल एरिया प्लांट, हिली एरिया प्लांट, हम उनको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। सो वी टेक राइट ऑन द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, यानी कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर द प्लांट्स दैट ग्रोज ऑन द लैंड। ओके, नंबर 22, हाइबरनेशन इज, हाइबरनेशन क्या होता है, समर स्लीप ऑफ प्लांट, विंटर स्लीप ऑफ प्लांट्स, नो। समर स्लीप ऑफ एनिमल्स, नो, एंड विंटर स्लीप ऑफ एनिमल्स, तो इट इज कॉल्ड द विंटर स्लीप ऑफ एनिमल्स, सो वी टेक राइट ऑन द विंटर स्लीप। नंबर 23, स्क्वेरल्स एंड मंकीज आर, स्क्वेरल्स और मंकीज क्या होते हैं, ये एरियल, अर्बोरियल, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियन, तो स्क्वेरल एंड मंकीज आर अर्बोरियल, सो वी टेक राइट ऑन द अर्बोरियल। ओके, बेबी फ्रॉग इज नोन एज, बेबी फ्रॉग को हम किस नाम से जानते हैं, फ्रॉग, टैटपोल, बेबी फ्रॉग, कैटरपिलर, बेबी फ्रॉग को हम टैटपोल बोलते हैं, सो वी टेक राइट ऑन द टैटपोल। नंबर 25, स्नेक्स क्रॉल विद द हेल्प ऑफ स्केल्स, फेंस, गेस, लैक्स, किसकी हेल्प से क्रॉल करता है स्नेक, स्केल की हेल्प से, सो वी टेक राइट ऑन द स्केल्स। नंबर 26, मूवमेंट ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स टू अवॉइड द अनफेवरेबल कंडीशन, ओके, इट इज नोन एज द क्या, उसको बोलते हैं एडेप्टेशन, हैबिटेट, माइग्रेशन, उसको बोलेंगे हम माइग्रेशन, सो वी टेक राइट ऑन द माइग्रेशन। लिविंग एंड डिवेलिंग प्लेस इज कॉल्ड, लिविंग और डिवेलिंग प्लेस को क्या बोलते हैं, हैबिटेट्स, सो वी टेक राइट ऑन द हैबिटेट। द एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर नोन एज, जो एनिमल्स कहाँ पानी में रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, एम्फीबियंस, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, नो, वी कॉल देम एम्फीबियंस, सो वी टेक राइट ऑन द एम्फीबियंस। विच एनिमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल, कैमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, सो वी टेक राइट ऑन द कैमल। Animals that lives on land are called water animal, terrestrial animal, aquatic animal. It's called
terrestrial animals. What, so we take right on the terrestrial. Okay, children, thanks. Have a nice day.